जय हिंद गाइस। आखिरकार एक एनएसजी कमांडो जिन्हें हम ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से जानते हैं, उन्हें कितनी सैलरी और क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं सर्विस के दौरान। कमांडोज के लिए अलग तरह की सैलरी और फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो भारत के गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, और एनएसजी कमांडो में किसी भी तरह से डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं होती है। एनएसजी कमांडो बनने के लिए इंडियन आर्मी, स्टेट पुलिस, सीएपीएफ और पैरामिलिट्री से सोल्जर वॉलंटियर करते हैं एनएसजी के लिए। एक एनएसजी कमांडोज की सैलरी बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। कमांडो का एक्सपीरियंस, रैंक और कमांडो ने अपने ड्यूटी के दौरान क्या कुछ काम किया है, उसके ऊपर उसकी सैलरी या फिर अलाउंसेस डिपेंड करता है। लेकिन एक एनएसजी कमांडो की सैलरी 84,000 से लेके 2,40,000 तक होता है। अब एनएसजी में जो भी सोल्जर्स आते हैं वो पहले से ही इंडियन डिफेंस का हिस्सा होते हैं। वो जिस भी डिपार्टमेंट से आए हैं, चाहे आर्मी हो, सीएपीएफ हो, स्टेट पुलिस हो या फिर पैरामिलिट्री हो, वहां पर उनको सैलरी मिल रहा है। उस बेसिक सैलरी के ऊपर एनएसजी ज्वाइन करने पर सोल्जर्स को कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं। वैसे तो एनएसजी में काफी तरह के अलाउंसेस हैं जो आपके ड्यूटी और एक्सपीरियंस और आपके काम करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो कॉमन अलाउंसेस हैं जो हर एक ब्लैक कैट कमांडो को मिलता ही मिलता है, उनमें से है स्पेशल अलाउंस जो कि 27,000 रुपए पर महीने मिलता है, जो सैलरी के साथ में ऐड होता है। एनएसजी में डेपुटेशन अलाउंसेस भी हर एक कमांडो को दिया जाता है, जो 5,000 रुपए पर महीने का होता है। इसके अलावा भी एनएसजी कमांडोज के ट्रेनिंग के दौरान एक फिक्स्ड स्टाइपेंड दिया जाता है, जो कि 18,000 रुपए के आसपास होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो एनएसजी को दिया जाता है, जैसे कि ट्रैवल अलाउंसेस। भारत के किसी भी कोने में ट्रैवल करने के लिए उन्हें अलाउंसेस यानी कि पैसा दिया जाता है। उसके बाद फील्ड एरिया अलाउंसेस, यानी कि एनएसजी में जो भी सोल्जर्स फील्ड एरिया में काम करते हैं उन्हें ये अलाउंस मिलते हैं। उसके बाद डेयरनेस अलाउंस, ये अलाउंस उन कमांडोज को मिलता है जिन्होंने अपने ड्यूटी के दौरान कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेयरनेस वाला काम था। उसके बाद हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंसेस, ये उन कमांडोज को दिया जाता है जिन्होंने हाई ऑल्टीट्यूड में कुछ मिशन को अंजाम दिया हो। उसके बाद पैराशूट पे, जिन्होंने भी पैरा जंप्स को क्वालिफाई किया है उन्हें एनएसजी की तरफ से पैराशूट पे दिया जाता है। लेकिन इनके अलावा भी एनएसजी कमांडोज को कुछ और फैसिलिटीज दी जाती हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज। कमांडो और उनकी फैमिली को फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। फैमिली के अंडर में सोल्जर के पेरेंट्स, उनकी वाइफ और उनके बच्चे शामिल होते हैं। उसके बाद एक कमांडो को गवर्नमेंट की तरफ से फ्री क्वार्टर भी दिया जाता है। नेक्स्ट उन्हें फ्री रेशन और कैंटीन फैसिलिटीज भी उपलब्ध करवाई जाती है। ब्लैक कैट कमांडो के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की फैसिलिटीज भी इंडिया में अवेलेबल है। सिलेक्टेड स्कूल और इंस्टीट्यूट में इनके बच्चे फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। इसके अलावा भी लो इंटरेस्ट लोन्स भी इनको दिया जाता है। कमांडो को पर्सनल लोन चाहिए या फिर होम लोन चाहिए, इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत कम होता है आम आदमी के इंटरेस्ट रेट से। नेक्स्ट, एनएसजी कमांडो को लाइफ लॉन्ग पेंशन भी दिया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडो जो हमारे लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए अपने जान तक निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, उनके लिए ये फैसिलिटीज और ये सैलरीज बहुत कम है। इन फैसिलिटीज या फिर इन सैलरीज के बलबूते पर इन्हें नापना एक मूर्खता से कम नहीं है। ये पैसा, ये फैसिलिटीज किसी भी कीमत पर सोल्जर की जान से ज्यादा कीमती तो नहीं हो सकती। लेकिन ये इंडियन सोल्जर्स ही है जो अपने जिंदगी के सबसे कीमती चीज, अपने जान तक हमारे लिए, इस देश के लिए कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, एंड डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।